खबर ये है, स्कूल खुलने ऑफिसों में रियायत के हवाले से मामला हल हो चुका है। वजीर तालीम पंजाब डॉक्टर मुराद रास का कहना है, जब तक कोरोना की सूरत हाल है तब तक 20% रियायत फीसों में रहेगी। कोई प्राइवेट स्कूल रियायत नहीं देता तो हमारे शिकायत सेल पर राबता करें, जब तक हुकूमत नोटिफिकेशन नहीं करती कोई प्राइवेट स्कूल नहीं खुलेगा। हमारे नुमाइंदा दुआ मिर्जा हमारे साथ मौजूद है, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। दुआ बताइएगा, मामला हल हो गया, क्या तफसीलात? जी बिल्कुल रुखशान, ये बहुत कंफ्यूजन पाई जा रही थी। प्राइवेट स्कूल ये कह रहे थे कि 1 जून से या 15 जून से, और उसके बाद एक और डेट आई कि 15 अगस्त से स्कूल खोले जाएंगे। तो आज डॉक्टर मुराद रास ने बिल्कुल सिचुएशन क्लियर कर दी है कि स्कूल गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद है, जब तक कोरोना की पेंडेमिक सूरत हाल है तब तक स्कूल नहीं खोले जाएंगे। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि तमाम प्राइवेट स्कूल कोरोना की सूरत हाल में 20% रियायत देने के पाबंद होंगे। अगर कोई भी स्कूल नहीं देता फीस में रियायत तो फौरी तौर पर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो हेल्पलाइन है, जो शिकायत सेल बनाया गया, उसमें राबता किया जा सकता है। और इसके अलावा अहम ऐलान ये भी किया गया है कि अगर टीचर्स को सैलरीज नहीं मिल रही तब भी बताया जा सकता है, अगर प्राइवेट स्कूल टीचर को टर्मिनेट कर रहे हैं या फिर उसको सैलरी नहीं दे रहे इस सूरत हाल में, तो वो भी शिकायत सेल में बताया जा सकता है और फौरी तौर पर सेक्शन लिया जाएगा। और अगर कोई प्राइवेट स्कूल इस दौरान स्कूल खोलने की कोशिश करता है तो भी उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी शुक्रिया दुआ मिर्जा, आपने हमें आगाह किया।